क्या है दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। हम एक और वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं दोस्तों। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत बोलना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेट इंजन्स के बारे में। आप सभी को याद होगा, काफी समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि भारत और फ्रांस के बीच में भारत के फ्यूचर फाइटर जेट AMC के इंजन को लेकर एक डिस्कशन चल रही थी। और पिछले साल जुलाई में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए हुए थे, तब भारत और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश मिलकर एक हाई थ्रस्ट वाले इंजन का जॉइंट डेवलपमेंट करने वाले थे। उस समय आइडिया था कि DRDO और सैफ्रन मिलकर साल के अंत तक एक रोड मैप डेवलप कर लेंगे और जब स्टेट हेड्स दोबारा मिलेंगे तो इस रोड मैप के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया जाएगा। देखिए, इस साल कुछ महीनों के अंदर भारत के इलेक्शन होने वाले हैं और इसी वजह से अज्यूम किया जा रहा है कि जब स्टेट हेड्स मिलेंगे तो शायद यहाँ पर किसी भी तरीके की डील नहीं साइन की जाएगी। लेकिन फिर हमारे पास कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आई और जो ट्विटर पे फैल रहा था। दोस्तों, ये चीज क्लियर हो चुकी है कि दोनों देशों के बीच में इस रोड मैप के तहत सहमति बन चुकी है और अब यहाँ पर डिस्क्लोजर होने वाली है वो इंजन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में है। अभी तक कुछ बात क्लियर नहीं थी कि ये रोड मैप जो हर जगह सोशल मीडिया पे छा रहा है, ये सही रोड मैप है या नहीं, लेकिन धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है। देखिए, चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भारत की रिक्वायरमेंट क्या है। भारत को बेसिकली तीन तरीके के इंजन की आवश्यकता है। पहली, जनरल इलेक्ट्रिक F404 क्लास के इंजन जो लगभग 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। ये इंजन अभी के LC Mark 1 और आने वाले LC Mark 1A को पार करने के लिए यूज किए जाएंगे। अभी के लिए इस कैटेगरी में भारत के किसी भी तरीके के इंजन नहीं बनाए जा रहे और ये इंजन ऑफ द शेल्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही एक्वायर किए जाएंगे। हालांकि आने वाले समय में इसी कैटेगरी में कावेरी इंजन बनाए जाएंगे और जब LC Mark 1 को री इंजन किया जाएगा तो आइडिया है कि तब तक ये इंजन बनकर तैयार हो जाएंगे। दूसरी कैटेगरी है जनरल इलेक्ट्रिक F414 क्लास के इंजन जो बेसिकली 95 किलो न्यूटन से ज्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम, और ये इंजन आने वाले समय में LC Mark 2 पर इंजन डेक बेस फाइटर और आर्म का Mark 1 को पार करेंगे। इस इंजन को लेकर भी HAL और जनरल इलेक्ट्रिकल के बीच में भी MOU साइन हो चुका और आने वाले समय में ये इंजन भारत में बनाए जाएंगे। हालांकि जी की तरफ से कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत के साथ में शेयर की जाएगी, लेकिन जो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जा रही है वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। इसके क्रूशियल कंपोनेंट अभी भी US से ही इंपोर्ट किए जाएंगे और फ्यूचर में इस कैटेगरी का कोई और इंजन बनाने का प्लान नहीं है। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है फ्रांस के साथ में एग्जैक्टली इसी कैटेगरी के लिए बात हो रही। यहाँ पे आइडिया है कि लगभग 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को यहाँ पर बनाया जाएगा और डेवलपमेंट को डेवलपमेंट होगा, यानी कि डिज़ाइन में भारत और फ्रांस मिलकर काम करेंगे। भारत की तरफ से DRDO की लैब ADA और GTR का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहीं फ्रांस की तरफ से सैफ्रन का इन्वॉल्वमेंट होगा। सैफ्रन यहाँ पर पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है और इस नए इंजन के जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को लेकर भी सहमति बन चुकी है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर बाकी है वो है वॉर शेयर एग्रीमेंट और साथ ही इंजन स्पेसिफिकेशंस। देखिए, शुरुआत में जब भी डिस्कशन शुरू हुई थी तो आइडिया था कि जेट इंजन जो है बना के निकाला जाएगा, उसी के बेसिस पर फ्रांस FCA का भी इंजन बनाएगा। लेकिन अभी तक इस इंजन के स्पेसिफिकेशन को लेकर किसी भी तरीके की सहमति नहीं बन पाई है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि डिस्कशन रुकी हुई है या अभी तक हुई ही नहीं है। ये रिक्वायरमेंट को लेकर DRDO रोल्स रॉयस के साथ भी बात कर रहा है और रक्षा मंत्री जब UK गए तो उनको टेम्पेस्ट ऑफर किया गया। वैसे फिलहाल फ्रांस की तरफ से फॉर्मली अभी तक FCS भारत को ऑफर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे इंजन को लेकर कोर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। उस इंजन को दोनों ही फाइटर प्रोग्राम में यूज होने का प्लान है। देखिए, रिक्वायरमेंट को लेकर भारत की तरफ से थॉट की क्लैरिटी दिख रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये स्पेसिफाई किया गया है कि जो चीज AL-31 के दौरान हुई थी या आने वाले GF414 के केस में की थी उनको वहाँ पर रिपीट नहीं किया जाएगा और हाई एंड टेक्नोलॉजी एक्सेस करना चाहता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होंगी। दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं। आज मेरा गला खराब है, उसके बाद भी मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई हैं। दोस्तों, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट में जय हिंद जय भारत माता लिखना मत भूलना। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।